कैसे किया जाए? होता है किसी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध बहुत होता है, आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितरों का पितृ दोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज्यादा हो जाता है। तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो उस कटोरी को वहां पर दो दिन तीन दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है दो तीन दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए, तीन दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका, कल आपको कथा में कहा था, अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, स्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौए को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहां जरूर आते, दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहां से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी, सम्मुख में आकर खड़े होते।